उधर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी। पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन यहां पे देखिए पुलिस जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबको जबरन यहां पे हिरासत में लिया जा रहा है। और इनका जो पूरा धरना था वो शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं कि समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को यहां पे हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस को द्वारा। क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? हम लोग यहां पे जो भी महिलाओं पे, पीड़ितों पे, दलितों पे लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है भाजपा सरकार में, छात्र छात्राओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है, छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया जा रहा है, लगातार जो ये रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, उन्नाव पीड़िता के साथ जो भी किया गया, उन सभी विरोध में आज हम लोग भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोग देख सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक ढंग से भी किया हुआ प्रदर्शन को किस तरीके से पुलिस मारपीट में बदल रही है और सबको एक एक करके घसीट के ले जा रही है। ये बहुत ही असंवैधानिक व्यवहार है भाजपा सरकार का, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको हिरासत में यहाँ पे लिया जा रहा है। लोग हटने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस इनको जबरन यहाँ से टांग करके बस में बिठा रही है। तमाम कार्यकर्ता पार्टी के जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन, सर पुलिस प्रशासन से आप लोगों ने अनुमति ली थी, फिर क्यों आपको गिरफ्तार? जिला अधिकारी हिंदर साहिब आते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पे धरना का परमिशन कैंसिल कर दिए। समाजवादी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक धरना करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग नाजायज तरीके से परमिशन कैंसिल करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करना चाहते। आज प्रदेश के अंदर बलात्कार बढ़ा, हत्या बढ़ी, लूट बढ़ी, पुलिस के लोग नहीं रोक पा रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, प्रॉपर परमिशन लिया गया था, गोरखपुर के नगर निगम तक जाना था समाजवादी पार्टी कार्यालय से, लेकिन इनको रास्ते में ही लहलादपुर चौक पर रोक लिया गया है। और लगातार जितने भी सपा के कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको बस में लाद कर यहां से पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। यहां पे पुलिस अब इनको हिरासत में ले रही है या फिर गिरफ्तार करेगी कोई बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ यहां पे जितने भी लोग थे उन सबको जबरन यहां से ले जा करके पुलिस इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकना चाह रही है। और सुबह से जो तैयारियां थी वो यहां पे ये था कि अगर अपने कार्यालय से निकलेंगे तो इनको आराम से शांतिपूर्वक नगर निगम पहुंचना होगा, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। और लगातार पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो घमासान है, जो द्वंद है, वो जारी है। वीडियो जनसंपर्क के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।